जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, एक और वैकेंसी निकली हुई है, जो कि ये वैकेंसी कंपनी में निकली हुई है। साथियों, कंपनी का नाम जेसीबी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। साथियों, जो कि ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। साथियों, जेसीबी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में ये वैकेंसी निकला हुआ है। साथियों, तो सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे साथियों, कि इसमें क्या योग्यता मांगा गया है, इंटरव्यू कब है और डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या लेके जाना है। साथियों, तो साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। तो साथियों, अभी आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाएंगे। साथियों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, जेसीबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। साथियों, अभी आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाएंगे, सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, तब तक आप लोग लगे रहिए। साथियों, अभी आप लोग को नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। साथियों, तो साथियों, आप लोग को नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। कंपनी का नाम जो है जेसीबी प्राइवेट लिमिटेड है, और साथियों, कंपनी का जो लोकेशन है अहमदाबाद गुजरात में है, यानी जेसीबी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है अहमदाबाद गुजरात में है। साथियों, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, यानी महिला और पुरुष दोनों इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। एज रिक्वायर्ड की बात करें साथियों, तो 18 से 21 वर्ष के कैंडिडेट इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। हाइट यानी लंबाई और वेट, यानी लंबाई और वजन मेल कैंडिडेट यानी पुरुष का 169 सेंटीमीटर होना चाहिए और 50 केजी वजन होना चाहिए। फीमेल महिला कैंडिडेट का 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, 45 किलोग्राम होना चाहिए। साथियों, क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों, तो क्वालिफिकेशन ओनली आईटीआई मेल के लिए, यानी पुरुष के लिए आईटीआई ट्रेड में वेल्डर होना चाहिए, ट्रेड वेल्डर से आईटीआई होना चाहिए। फीमेल यानी महिला के लिए ओनली आईटीआई अल्टरेट चलेगा, यानी महिला के लिए कोई भी आईटीआई में ट्रेड हो अल्टरेट चलेगा, यानी सभी ट्रेड चलेगा, आईटीआई होना चाहिए। मेल यानी पुरुष के लिए आईटीआई जो ट्रेड है वेल्डर से होना चाहिए। नोट, 50 in 10th class, यानी साथियों, आप लोग को 10th class में 50% मार्क होना चाहिए। सैलरी जो 8 घंटे का आप लोग का होगा 17,158 रुपया होगा, CTC प्लस PF इसी में से कटेगा। साथियों, तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी दे रहा है। साथियों, सैलरी जब अच्छा दे रहा है तो कन्फर्म है साथियों कि जेसीबी प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद गुजरात में कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। साथियों, सैलरी 17,158 रुपया है, जो कि सी टी सी यानी उसी में आप लोग का PF भी कटेगा। फैसिलिटी की बात करें साथियों, तो कैंटीन बस सब्सिडी भी है, यानी कैंटीन भी आप लोग को मिलेगा और बस की भी सुविधा है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है साथियों, तो दसवीं प्लस ITI मार्कशीट होना चाहिए, यानी दसवीं का भी मार्कशीट लेकर जाना है, और साथियों ITI का भी मार्कशीट आप लोग को साथ में लेके जाना है। इसके बाद बैंक का पासबुक लेकर जाना है, ओरिजिनल जेरोक्स भी कॉपी करा के लेके जाना है, और साथियों पैन कार्ड आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना है, उसका जेरोक्स कम से कम 3 कॉपी करा लेना चाहिए साथियों, और 10 फोटो पासपोर्ट साइज 10 फोटो आप लोग को लेके जाना है। साथियों, वैक्सीन सर्टिफिकेट जो 2 डोज लगा है वो भी लेके जाना है। साथियों, आप लोग का इंटरव्यू एड्रेस बता दें साथियों, तो आईटीआई उत्तर संडा नियर भूमेल क्रॉस रोड थाने निडाड गुजरात, जो कि पिन कोड है 3873 70। इंटरव्यू डेट बता दें साथियों, उसी दिन आप लोग को पहुंचना है। साथियों, लेट मत करिएगा साथियों, आप लोग निकल लीजिएगा, वैकेंसी भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छा है। तो इंटरव्यू डेट आप लोग को बता दें 17/7/2022 को है साथियों, यानी 7 जून
सात जुलाई 2022 को आप लोग का इंटरव्यू है, यानी इंटरव्यू डेट 7/7/2022 को है। आप लोग को 10 बजे पहुंच जाना है इस एड्रेस पर साथियों, और आगे की जो भी वैकेंसी आएगी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पता चलेगा साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वंशिका आलजाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, ताकि आने वाला वैकेंसी जो भी हो इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा साथियों। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा होगा कि सरकारी से लेकर प्राइवेट लिमिटेड सारा जानकारी यानी जो भी वैकेंसी आती है इस चैनल के माध्यम से पता चलता है साथियों। धन्यवाद।